इतने लड़ाई है कि नहीं? लड़ाई तो है ही साहब। किससे, सपा से कि बसपा से? नहीं, सपा से, भाजपा में। अब बसपा? अरे वो तो पता नहीं कि कहाँ डूब गया, हाथी चला गया, कहाँ कहाँ। सही कह रहे हैं साहब, देखिएगा पहली या चार तारीख को आपके सामने आएगा। सब कोई भाग रहा है, सब कोई भाग रहा है, भाजपा जीतेगा सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, इस मड़ई के नीचे गर्मी में लोग ज्यादा बैठे रहते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैंने सोचा थोड़ा बेटा यही मड़ई तो हम लोग को सहारा है। अरे बड़ा गर्मी है, अरे मुआ सीधे के बात का हम बताए। हटना बेटा, थोड़ी देर बात करे, यहाँ बैठो, आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो नियाज अहमद है। तो नियाज भाई, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? भैया चुनाव का माहौल से हम लोग से क्या मतलब है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, चाहे कोई पार्टी जीते, हम लोग तो कमाना। चल, हो जा हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो, जुमा केसरी। खाना रोड पर है, वोट नहीं देना इनको, वोट नहीं देते हैं। हम लोग तो कमाना खाना है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो भी कमाना है, भाजपा जीतेगी तो भी कमाना है, बिना कमाए तो रोटी मिलेगा नहीं हमको। सरकार हम लोग तो विचार बना है कि हम लोग आपकी बात नोटा का प्रयोग करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, प्रत्याशी मन का है ही नहीं। तो नोटा तो है ही, आप चाहे दे दे नोटा पर हम लोग दे देंगे। प्रत्याशियों पर आपका मूड मिजाज नहीं बन रहा है? प्रत्याशी पर मूड मिजाज नहीं बन रहा है, न वीरेंद्र न महेंद्र पाल, कोई नहीं, कोई नहीं। जब हम लोगों का कोई विकास ही नहीं है तो आपका क्या, आपको जवान करे? नहीं, जवान नहीं, एक बात, हम लोग को रोजगार तो चाहिए, तो उनको देंगे अवसर तभी ना देंगे रोजगार। अरे भैया महेंद्र पाल को तो दशा दिया सर हम लोग, अब कितना अवसर चाहिए? 10 साल में महेंद्र पांडे जी का काम कैसा रहा? अगर रहता तो हम लोग रोड पर थोड़े रहते। तो क्या कहते, ताजमहल बनवा देते महेंद्र? उम्र में रोड पर थोड़ी रहते हम लोग। महेंद्र पांडे आकर ताजमहल बनवा देते? नहीं, इस उम्र में रोड पर थोड़ी रहते हम लोग। हम लोग भी आराम करते, बच्चों को काम मिलता, तो अगर बच्चों को काम मिलता तो हम लोग घर पे आराम करते, इस उम्र में रोड पर थोड़ी। गंज में हुआ, उठवा दिया हाथ से। आप बताओ भैया, आप बताओ, आपका क्या नाम? सुभाष यादव। सुभाष जी आप बताओ। हम लोग भाई समाजवादी पार्टी से हैं। तो MY समीकरण हुआ होगा, तो इस समीकरण से बाहर चल रहे हैं ना। मोदी जी इस बार इनको पाकिस्तान भेजेंगे। जब वोटा नहीं देना है इनको, हम लोग तो समाजवादी पार्टी शुरू से है। नहीं तो एक बात बताइए, बहुत दिन के बाद मेरे देखने में ऐसा हो रहा है, चंदौली सीट पर दोनों उम्मीदवार सवर्ण है। सवर्ण का मतलब एक राजपूत एक ब्राह्मण, जो दो लड़ाई में कहे जा रहे हैं। वैसे बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को जीता है, सत्येंद्र मौर्य को उतारा है। मौर्य बिरादरी यहाँ बहुत चंदौली में है भी, इसके पहले भी आनंद रतन मौर्य BJP से हुए थे, कैलाश यादव हुए थे, तमाम नेता हुए हैं। तो ये PDA का नारा दे रहे हैं, इसका कोई असर? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। और लड़ाई में बसपा है कि नहीं? बसपा कहाँ है, तो एकदम है ये नहीं है। अच्छा, पिछली बार महेंद्र पांडे 14,000 वोटों से महेंद्र पांडे जीते थे, इस बार लड़ाई है या और मजबूती में है? इस बार तो लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, क्योंकि बसपा खत्म हो गई है, वोट उसका भी वोटवा जुड़ गया हम लोगों में। बसपा का वोट सपा को मिलेगा? एकदम भरपूर मिलेगा, कहाँ जाएंगे लोग? बिना नौकरी चाकरी के घूम रहे हैं लोग, तो कहाँ जाएंगे? आप बताओ भैया,
आपके रावर्ट्सगंज में हमन यहाँ के का मतलब रावर्ट्सगंज में और रावर्ट्सगंज में वोट ना पड़त है वो तो है एक जो भैया हमन के कुछ कम गए में नहीं कंडौली के राजनीति तो हमन से क्या लेना है तो आप रावर्ट्सगंज का बताओ ना गाड़ी चलाओ के बाद मरई में बैठे के बाद और मतलब तो बा नहीं यहाँ के राजनीति से अरे आप रावर्ट्सगंज का हो ना वही हमके कोनो गन से कोई मतलब नहीं है हम अपना काम करते हैं आराम से रहते अच्छा तो आप इतना घूमते फिरते तो क्या आपको लग रहा है चुनाव नहीं जाते हैं गाड़ी चलाते हैं सुबह में आते हैं रोड पर शाम को जाते हैं घर आराम करते आप ओ भैया आपका कुछ अंदाजा है कि चुनाव किधर जा रहा है मोदी जी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं कि नहीं नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे क्यों क्यों कोई काम नहीं किए तो बनेंगे क्या गरीब गरीबों को मुआ रहे हैं गरीबी कह रहे हैं कि हम गरीबी मिटा रहे हैं गरीबों को खुद ही मुआ रहे हैं अभी आपसे पहले एक आदमी कुछ दूर पहले एक चाय की दुकान पर मिले थे वो कह रहे हैं 2.5 लाख रुपया घर के लिए दे रहे हैं राशन दे रहे हैं पेंशन दे रहे हैं और क्या दें घर पेंशन दे रहे हैं पेंशन तो क्या देंगे पेंशन क्या वो दे रहे हैं वो तो हमारा ही टैक्स लेकर दे रहे हैं महेंद्र पांडे हार जाएंगे हार जाएंगे अब बताओ यार बातें यहाँ सर तुम्हारा भी क्या विचार है सब विचार ठीक है लड़ाई बड़ी टक्कर में है कैसे मालूम हुआ तुमको अरे हम लोग मार्केट में देख रहे ताक रहे हैं दो दो रैली था अखिलेश आए थे योगी आए थे रैली के भीड़ से क्या होता है भीड़ से तो कुछ पैसे से आवत बटन आदमी एक एक बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो दोनों रैली में रहते हैं तो सही बात है तो क्या लगा अरे इधर देखो यार तुम तो कैमरे की तरफ अच्छे क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम अनीस इकबाल है भाजपा की सरकार कैसी है भाजपा की सरकार बनेगी फिर से और क्या कैसे सही से बनेगी पूर्ण बहुमत से बनेगी किस बात पर अनीस तुमको लग रहा है कि बनेगी अरे बनेगी अभी मोदी साल 5 साल और रहेंगे किस वजह से काम किए हैं ऐसा अरे काम नहीं किए फिर भी रहेंगे सत्ता उन्हीं का चलेगा क्यों अरे है ना अभी ऊपर से नीचे तक वो पूरा अधिकारी नहीं के बैठे हैं कोई कितना पैर लगा ले जितना उन्हीं को है अरे यार जनता वोट देगी तब जीतेंगे कि अरे जनता देगी ना वोट उस दिन सबका दिमाग चेंज हो जाएगा अरे हम जिस पर मन के तिस पर दे दे कोई जरूरी थोड़ी ना है रोज कुआ खोदना है रोज पानी पीना है तो उस दिन कैसे वोटों के दिन दिमाग बदल जाता है वो दिन अपने आप दिमाग बदल जाए बदल जाएगा ना दिमाग क्यों हाँ सपा पे पड़ी थे शाम को वोट पड़ेगा सुबह में सब ईवीएम गायब हो जाएगी वैसे भी जीत जाएंगे वो अरे यार ऐसी बात नहीं अभी अभी तो सर 2-3 दिन हुआ हमको लग रहा है कि जौनपुर में एक गाड़ी भी हम पकड़ी गई वो तो नहीं पता है उसके बाद नहीं पता कि डीएम ने क्या कहा था कि थीक? सुनो ठीक है यही बात है ना एक मिनट अब आपने नहीं नहीं हमारी बात नहीं मानते पहले आप देखिए आप हम पूरे देखिए कोई भी बात कार्यक्रम आप कह रहे हमारा कार्यक्रम काफी संख्या में लोग देखते भी है तो उनको ये ना लगे कि आप कोई बात बोल के निकल गए पूरी घटना का की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है और मैं ये जानता हूँ कि जो जिन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हूँ तो आपको जौनपुर की घटना का आपने जिक्र कर दिया तो आपको मालूम है कि उसमें बाद में क्या हुआ बाद में सर क्या जो न्यूज पे देखा गया वही डीएम सर साहब से जब बात हुई तो वो बोले कि ड्राइवर की गलती से यहाँ पे जो है कि मतलब गाड़ी आकर के खड़ी हो गई है तो ड्राइवर की गलती से वहीं पे क्यों गाड़ी खड़ी हुई और कुछ उसके आगे का मालूम है थी उसके आगे का मालूम है नहीं सर उसके आगे का तो ना मैं जो मतलब जानकारी बस इतना ही अगर तुम बोलोगे तो आधा तिहा जानकारी आदमी को दोगे हमारे चैनलों पर चला जाएगा डीएम ने ये कहा कि वो गाड़ी को रिजर्व पुलिस लाइन मंगाया गया सारी ईवीएम मशीनों को जो वहाँ उसमें थी विपक्षी दल के उम्मीदवार को बुलाकर उसकी तस्दीक कराई गई और उसके उनके संतुष्ट होने के बाद उसको ले जा कर के रखा गया ईवीएम यानी जो प्रत्याशी थे उनको बताया गया कि इस कारण से इस गाड़ी को जाम लगने की वजह से उसका रास्ता डाइवर्ट हुआ और यहाँ आई तो आधा तिहा जाना था हमें उड़ा डाला जितना सर जानकारी न्यूज भाई बताओ आप यहाँ चंदौली के बारे में जानकारी दो जितना न्यूज पर मिली उतना हम जितना हम न्यूजल चंदौलिया के बताओ के वीरेंद्र नेता जी थी कि पाणी जी
पांडे जी जब काम है नहीं किन्हें तो कहा पांडे जी दी हैं लोग तो कहा तो फ्लाईओवर बनूल ने कहानी कहा मेडिकल कॉलेज बनूल ने फ्लाईओवर बहुत पहले से पास रहे थे इंदिरा जी के जमाने पर फ्लाईओवर तो पहले से पास रहे तो हैट्रिक हुई इनके पांडे जी के नहीं मुश्किल है मुश्किल चलो ठीक अब दूसरे जगह चलते हैं इधर से गुजर रहा था 3 माइल